आज हम लोग बात करेंगे कैनवा की टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो आपको 2021 में पता होनी चाहिए अगर आप लोग कैनवा यूज करते हैं तो। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। मैं यहाँ पर डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। कैनवा प्रो को मैंने रिसेंटली यूज़ किया था एंड इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था, वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा कि आपको कैनवा प्रो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उस रिव्यू वीडियो के लिए मैंने कैनवा को काफ़ी यूज़ किया था, इसके बारे में मैंने सीखा था, इसको डिटेल्ड में सीखा था, इसकी टिप्स देखी थी, ट्रिक्स देखी थी, शॉर्टकट्स देखे थे। तो उसमें से जो टॉप 19 जो मुझे पसंद आए हैं आज मैं उसके बारे में बताऊंगा, किस तरीके से आप लोग कैनवा को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, कौन से शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्या क्या इसमें हिडन फीचर्स हैं। एंड मेरे पास जो यहाँ पर वर्जन है वो कैनवा प्रो का है, लेकिन जो इसमें मैक्सिमम ट्रिक्स मैं बताऊंगा वो कैनवा फ्री वाले वर्जन में भी चल जाएंगे। कैनवा प्रो और फ्री में क्या डिफरेंस है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने रिव्यू वाले वीडियो में, अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिएगा। तो बिना किसी डिले के हम लोग शुरुआत करते हैं। टिप नंबर 1 इज टू यूज पिक्सल्स एंड पिक्साबे फॉर फोटोज। देखो, जब भी हम लोग यहाँ पे फोटोज सर्च करेंगे ना, हमें बहुत सारे प्रो वाले मिल जाएंगे। अब हमें अगर सिर्फ फ्री वाले देखने हैं तो उसके लिए आप लोग यहाँ नीचे जाइए, मोर पे जाइए एंड पिक्सल्स पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो भी पिक्सल्स की फोटो है वो आ जाएंगी। और अगर हमें पिक्साबे की चाहिए तो मोर पे जाके पिक्साबे पे कर देंगे तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ से जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं। इससे फायदा फ्री वाले यूजर्स को होगा, जिनको प्रो वाली इमेजेस नहीं देखनी है वो डायरेक्टली यहाँ पे जाके फ्री वाली इमेजेस का यूज कर सकते हैं। अगले टिप है लेयर्स को सिलेक्ट करना। मैं फोटोशॉप से आया हूँ तो फोटोशॉप में लेयर्स को सिलेक्ट करना काफ़ी इजी रहता है, लेकिन यहाँ पर जैसे एक ये वाली लेयर है, एक ये इसके पीछे वाली लेयर है जो ब्राउन वाली है, तो इसको मैं कैसे सिलेक्ट करूँ? या तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दूँ फिर ये वाली पीछे सिलेक्ट करूँ। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो होता है कमांड क्लिक। कमांड क्लिक करूँगा पहले ये वाली इमेज हो जाएगी, फिर कमांड क्लिक करूँगा दूसरी वाली हो जाएगी। तो कमांड या फिर कंट्रोल से आप लोग पीछे वाली लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरी टिप है फ्रेम्स का यूज़ करना। आपको यहाँ पर एलिमेंट्स पे जाओगे, यहाँ पर हम लोग डाल देंगे फ्रेम्स, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ्रेम्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आप लोग खुद अपनी इमेजेस डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये वाला फ्रेम ले लिया है, एक ये दो मेरे पास फ्रेम है और ये वाली इमेज है जो मैंने अपलोड करके रखी, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके इसके अंदर डाल सकता हूँ। सेम मैं इसको अगर मुझे चाहिए कि मोबाइल में आ जाए तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर सकता हूँ, देन इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको फ्रेम्स भी मिल जाते हैं कैनवा के अंदर। अगली टिप है स्मार्ट मॉकअप्स को लेकर के। जैसे ये वाली एक बुक है, बुक कवर है, मुझे इसको देखना है कि एक्चुअल बुक में जब ये लगेगा तो कैसे दिखेगा, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, फिर यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा एक स्मार्ट मॉकअप्स का, ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से स्मार्ट मॉकअप्स पे। आपको इस पर यहाँ पर फ्री अकाउंट बनाना है, तो मान लो ये एक बुक डिज़ाइन है, मुझे इस पर देखना है कि ये वाली इमेज कैसे दिखेगी, तो आप लोग जैसे ही उसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर आप लोग डिज़ाइन चूज़ कर सकेंगे एंड देन आपको यहाँ से एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आप लोग जो बुक कवर बना रहे हो वो एक्चुअल बुक में कैसा दिखेगा। अब अगर कुछ मैं शॉर्टकट्स की बात करूं तो जैसे आप लोग टी दबाओगे यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, एल दबाओगे लाइन आ जाएगी, सी दबाओगे सर्कल आ जाएगा, आर दबाओगे रेक्टेंगल आ जाएगा एंड अगर मुझे ग्रुप करना है सबको, जैसे ये रहा मेरा सर्कल, ये रहा मेरा टेक्स्ट, अब मुझे इन तीनों को ग्रुप करना है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मुझे इन तीनों को ग्रुप करना है, एक साथ मुझे मूव करना है, तो हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कमांड जी, डिपेंडिंग आपका सिस्टम कौन सा है, देन मैं यहाँ पर इसको साथ में ऐसे मूव कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसको वापस से अनग्रुप करना है तो यहाँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा या कमांड शिफ्ट जी, अब ये सब अनग्रुप हो गए तो मैं इसको इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता हूँ। अपलोड करने के लिए आप लोग इमेज को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जा करके अपलोड करो। एंड अगर मुझे इसको क्रॉप करना है तो मैं शिफ्ट का यूज़ करके इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ। जूम करने के लिए आप लोग कमांड स्क्रोल का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको एलिमेंट्स को मूव करना है तो इसको सिलेक्ट करके एरो कीज राइट लेफ्ट पे ये मूव हो जाएगा, और शिफ्ट एरो की दबाओगे तो 10 पिक्सल से एक साथ मूव करेगा। इसको कॉपी करने के लिए आप लोग सिंपली कंट्रोल या कमांड डी कर सकते हैं, डुप्लीकेट हो जाएगा ये। टिप नंबर 6 इज टू एडिट कलर्स ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पर ना कुछ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, कुछ इसमें से आप लोग एडिट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे ये वाला है, इसको हम लोग यहाँ पर इसके कलर्स एडिट नहीं कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास ये है, यहाँ पर आपको कलर एडिटिंग के फीचर्स मिल जाते हैं, ये आपको ऊपर मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग खुद अपने शेड्स डिसाइड कर सकते हो किस शेड में आपको चाहिए एंड यहाँ से आप लोग इजीली इसको चेंज कर सकते हो। इसी टाइप से ये भी है, इसमें भी आपको यहाँ पे ऊपर कलर्स मिल जाएंगे, तो जितने भी वेक्टर आर्ट से उसके आप लोग कलर्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगली टिप है ग्राफ्स को लेकर के। अगर आपको कैनवा पे ग्राफ्स बनाने हैं तो जो बेस्ट मेथड मुझे लगा है वो है इनकी वेबसाइट के ऊपर ग्राफ्स वाले सेक्शन में चले जाओ, इंस्टेड के हम लोग जाके डायरेक्टली टेम्पलेट सर्च करें, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पर मुझे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ एक बार चार्ट बनाना, मैं उसको एक नाम दे देता हूँ, ठीक है, मेरे पास पता है मुझे,
एंड देन यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको कैसा चार्ट बनाना है। तो ये जो ऑप्शंस देते हैं ये मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। मान लो अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन का चार्ट बना सकता हूँ, बार चार्ट बनाए तो मैं यहाँ पे बार ग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन हम लोग यहाँ पर इस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप लोग ब्लॉगर वगैरह हो तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चार्ट्स इन्फोग्राफिक्स आपके ब्लॉग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो जैसे ये है तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा एंड अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। ये मेरी वैल्यूज़ हो गई यहाँ पर चेंज। तो अगर आपको ग्राफ्स बनाने हैं तो इंस्टेड के आप लोग टेम्पलेट सर्च करो, बेटर है कि आप लोग canva.com/graphs पे जाओ, मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगला हिडन फीचर है कैनवा का, वो है इनके फॉन्ट कॉम्बिनेशन सजेशंस। canva.com/font-combinations पे अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ फॉन्ट्स आप लोग सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बेसिस पे आपको दूसरे जो आपको फॉन्ट्स यूज़ करने चाहिए उस मेन फॉन्ट के साथ में वो आपको सजेस्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ लेट्स से ओपन सैंस, ठीक है, ओपन सैंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया तो अब मुझे बताएगा कि मुझे उसके साथ में क्या यूज़ करना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि आप डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो अभी आप पैराग्राफ वगैरह लिखते हो अपने ब्लॉग में उसके लिए आप लोग ओपन सैंस यूज़ करो और जो बाकी है उसके लिए यहाँ पर मैं दूसरा जो फ्यूचरा पीटी कॉन्डेंस्ड है मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। देन इसने मुझे दूसरे वेरिएशंस भी बताए हैं, ये भी अच्छा है, मिनियन प्रो इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, तीसरा यहाँ पर म्यूसियो ये भी अच्छा है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको फॉन्ट कॉम्बिनेशंस पता चल जाएंगे अपनी डिज़ाइन वेबसाइट ब्लॉग्स में यूज़ करने के लिए। अगली टिप है मेरे पास कैनवा कलर्स को लेकर के। अगर आप लोग कैनवा कलर्स पे जाओगे, अगेन इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ पर आपको एक कलर पैलेट जनरेटर मिल जाएगा, पैलेट आइडियाज़ मिल जाएंगे, कलर व्हील और कलर मीनिंग भी। तो ये तीन हमारे ज़्यादा काम के हैं यहाँ पर। कलर पैलेट पे बेसिकली आप लोग कोई भी अगर इमेज अपलोड करोगे तो उस इमेज में जो जो कलर्स है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे ये एक इमेज है तो इसमें कौन कौन से कलर्स हैं मुझे ये मिल जाएगा और मैं इन कलर्स को यूज़ करके अपनी डिज़ाइन या फिर ब्लॉग क्रिएट कर सकता हूँ। सेकंड, यहाँ पर आपको कलर पैलेट मिल जाएगा अगर आपको कुछ स्पेसिफिक थीम के ऊपर बनाना है, मोनोक्रोम जाना है, जैसे भी आपको कलर्स बनाने हैं ये इसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको अपने रूम में भी पेंट करवाना हो, घर पे भी पेंट करवाना हो तो ये कलर पैलेट आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पर आपको कलर व्हील मिल जाता है। कलर व्हील मतलब कि एक कलर है उसके साथ कौन सा कलर कॉम्प्लीमेंट करेगा, कौन सा कलर उसके कॉन्ट्रास्ट में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे ब्लू के साथ जाना है, तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्लू पे घुमाया ये पूरे शेड्स इसने यहाँ पे चेंज कर दिए हैं एंड उसके साथ में कौन सा कॉम्प्लीमेंट करेगा वो भी इसने मुझे बता दिया कि आप ये वाला कलर यूज़ कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट मोनोक्रोमेटिक मुझे बनाना है तो उसके साथ मैं लाइट में ये यूज़ कर सकता हूँ। तो डिपेंडिंग कि आप लोग कौन सी थीम के लिए जा रहे हो आप लोग कर सकते हो। एंड देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट अ ग्राफिक पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे उसी कलर थीम से लेके सजेशन दे देगा कि मैंने कहा मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, मेरे पास ये वाला कलर है एंड देन सेकेंड ये वाला कलर है, अब मुझे इसी थीम से लेकर के यहाँ पर सब मिल गया है। तो जैसे इसके वो मैं क्लिक करके ये वाली टेम्पलेट का यूज़ कर सकता हूँ। अगली टिप है इन्फो बटन। मान लो मैंने एक टेम्पलेट यूज़ करी है, उसका एक एलिमेंट है, मुझे वैसे ही सिमिलर एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, मैं उस एलिमेंट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं जाऊँगा ये आई इन्फो वाले बटन के ऊपर, इसके बाद मुझे मिल जाएगा कि इसमें कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए, तो मैं चाहूँ तो इन कीवर्ड्स को सर्च करके देख सकता हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे सिमिलर एलिमेंट्स मिल रहे हैं, या फिर मैं वापस इन्फो बटन पर क्लिक करके व्यू मोर डिज़ाइन सिमिलर, जब ऐसी जो सिमिलर डिज़ाइन है मैं वो देख सकता हूँ, मतलब एंड सेकेंड सी मोर लाइक दिस। तो अगर मैं ऐसे ही देखूंगा तो मुझे इसी तरह की यहाँ पे सिमिलर डिज़ाइन यहाँ पे दिख जाएंगी एंड आई थिंक कि ये इसका भी यूज़ किया जा सकता है। इसको मैं यहाँ पर ओपासिटी हम लोग इसकी थोड़ी कम कर देंगे। इस तरीके से आप लोग सिमिलर डिज़ाइन ढूंढ सकते हो एंड इसके बाद यहाँ पे आपको मैजिक रिकमेंडेशंस भी आ जाती हैं जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करते हो, प्लस जब भी आपको किसी एक स्पेसिफिक ऑथर की देखनी हो, जैसे एलिमेंट्स पे गया मैं यहाँ पे गया इसके ऊपर, इसके बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, इसके बाद व्यू मोर बाय डिज़ाइनर। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक क्रिएटर की इमेजेस पसंद आती है तो इस तरीके से आप लोग वैसे ही सिमिलर इमेजेस देख सकते हो। अगली टिप है कैनवा में प्रेजेंटेशंस को रिकॉर्ड करना। जी हाँ, कैनवा के अंदर ही इनबिल्ट एक स्क्रीन रिकॉर्डर भी है। कैनवा बहुत पावरफुल टूल है और यहाँ पर आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिल जाता है आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। मान लो ये कि मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, अब मुझे इसे वीडियो फॉर्म में बनाना है, मैं इसको यूट्यूब पे डालना चाहता हूँ या फिर मैं इसको किसी को देना चाहता हूँ, सेंड करना चाहता हूँ, कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह कराना चाहता हूँ, तो ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड, प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे, गो टू रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ये हो गया। इसके बाद ये मेरा यहाँ से वेबकैम ले लेगा, मेरा इनबिल्ट जो माइक्रोफोन है मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर अगर आप लोग चाहो तो कोई और दूसरा सेपरेट माइक्रोफोन भी कनेक्ट कर सकते हो। सो इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। 3 2 1
अब ये मेरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा, पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिर्फ ये जो पोर्शन है रेड वाला, सिर्फ इसे ही यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, स्लाइड्स को चेंज कर सकता हूँ, जैसे वाली स्लाइड है तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा फोटो आ रहा है, सर्कल में आ रहा है, वो भी दैट्स गुड। एंड यहाँ पर हम लोग हर प्रेजेंटेशन पे कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, इसको एंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग अपने डिजाइन नोट्स भी लिख सकते हो, कि आपको स्क्रिप्ट लिख सकते हो बेसिकली, कि आपको प्रेजेंटेशन में यहाँ पे क्या बोलना है। उसके बाद जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन ओवर होगी, हम लोग यहाँ पे एंड रिकॉर्ड कर देंगे। एंड रिकॉर्ड के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या तो आप लोग इसका लिंक शेयर कर दीजिए, या फिर आप लोग इसे डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया लिंक शेयर करने का, या फिर इसको डाउनलोड करने का, या फिर डिस्कार्ड भी मैं इसको कर सकता हूँ। सो डाउनलोड के बाद आप लोगों के पास इस तरह की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ जाएगी फुल HD में। यहाँ पर ये मेरी प्रेजेंटेशन है और यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूँ। टिप नंबर 12 इज टू क्रिएट लाइव स्ट्रीम फ्रॉम कैनवा। जी हाँ, मैं भी ये सुन के थोड़ा बहुत सरप्राइज्ड हो गया था कि कैनवा में हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ये प्रेजेंटेशन है, मुझे इसी में लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ प्रेजेंट पे जाऊँगा, इसके बाद स्टैंडर्ड, ठीक है स्टैंडर्ड प्रेजेंट। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे आपको ये नीचे दिख रहा है, ये क्राउड सोर्स क्वेश्चंस फ्रॉम योर ऑडियंस विद कैनवा लाइव, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग स्टार्ट न्यू सेशन करेंगे, एंड देन ये जो कोड है 654267, ये मुझे देना है पार्टिसिपेंट्स को, और उनको canva.live पे जाकर के ये वाला कोड डाल देना है। उसके बाद वो लोग यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे। तो आप लोग इसको वेबिनार के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड जो इसका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको फ्री में कोई सर्विस चाहिए इस चीज़ के लिए, तो आप लोग यहाँ पर कैनवा का यूज़ कर सकते हो। डू लेट मी नो आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लग रही हैं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। अगली टिप है यहाँ पे टाइडी अप करने के लिए। मान लो मैंने यहाँ पे खूब सारे आइकन्स मैंने डाल दिए हैं, अब ये फिलहाल अलग अलग जगह पर है, थोड़ा ऊपर नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, तो अब मुझे इसको एक ही साथ अरेंज करना है। तो मैं यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करूँगा, पोजिशन पर जाऊँगा, एंड देन यहाँ पर हम लोग मिडिल पे कर देंगे। मिडिल पे आ गया अब, लेकिन ये जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग सबके बीच में अभी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग अगेन पोजिशन पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर टाइडी अप कर देंगे, तो स्पेसिंग यहाँ पर सबके बीच में इक्वल हो जाएगी। अब अगर मैं इसको यहाँ पर पास करना चाहता हूँ, मैं तो सबको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पास कर दूंगा, एंड देन हम लोग यहाँ पे फिर से जाएंगे पोजिशन टाइडी अप, तो इसके बाद जो स्पेसिंग है वो एग्जैक्टली सारे एलिमेंट्स के बीच में सेम रहेगी। अगली टिप है यहाँ पे QR कोड्स डालने के लिए। अगर आपको QR कोड डालना है, अगर आप लोग बिजनेस कार्ड बना रहे हो, इनविटेशन कार्ड बना रहे हो, आपको कोई चाहते हो आप लोग कि आपके वो QR कोड स्कैन करके आपकी वेबसाइट पे जाए, या फिर एक कोई कॉम्प्लेक्स URL है, आपको चाहिए कि यूज़र उसको इजीली एक्सेस कर पाए, तो फिर आप लोग यहाँ पे जा सकते हो मोर पे। मोर पे जाने के बाद हमारे पास QR कोड का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे URL डाल दो एंड जनरेट कोड पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पर एक QR कोड मिल जाएगा, जिसको आप लोग अपने बिजनेस कार्ड, वेबसाइट्स कहीं पर भी डाल सकते हो। अगली टिप है टेम्पलेट्स को सर्च करना। बहुत सारे लोग कैनवा में ये गलती करते हैं कि पहले वो लोग यहाँ पे डायमेंशंस डाल देते हैं कि उनको कौन से डायमेंशन में चाहिए, उसके बाद वो लोग जाके टेम्पलेट सर्च करते हैं। तो मान लो ये एक डायमेंशन है, इसके बाद मैं यहाँ पर टेम्पलेट्स पे गया, मुझे चाहिए कि मैं ई बुक के लिए कवर बनाऊँ, तो मैंने यहाँ पे ई बुक कवर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मुझे कोई टेम्पलेट शो नहीं करेगा, क्योंकि जो मैंने डायमेंशन डाला है उस पर ई बुक का कवर नहीं बनता है। तो आपको जो भी चाहिए, जो भी आप लोग बनाना चाहते हो, सबसे पहले हमें होम पेज पे जाना है, एंड देन यहाँ सर्च कैनवा जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको उसको सर्च करना है ई बुक कवर, तो ई बुक कवर में डालूंगा, तब यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हमेशा टेम्पलेट्स को होम पेज के टाइटल बार में ही सर्च करो। अगली टिप है एलिमेंट्स को लॉक करने के लिए। मान लो ये मेरे एलिमेंट्स है, अब मैं इसको यहाँ से हिलाना नहीं चाहता हूँ कि ये बार बार मूव नहीं होने चाहिए, गलती से भी मूव नहीं होने चाहिए, तो मैं इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ग्रुप कर लूँगा, एंड देन लॉक कर दूंगा। इसके बाद मैं इसको नहीं चेंज कर सकता हूँ अनटिल एंड अनलेस मैं इसको वापस से सिलेक्ट करके अनग्रुप करूँ, इसके बाद ये मूव हो जाएंगे। तो जब भी आपका कोई पार्ट फाइनल हो गया, उसको यहाँ पर ग्रुप करके लॉक कर दीजिएगा। अगली टिप है फिल्टर करने के लिए। आपको फिल्टर ऑप्शंस भी दिखाई देते हैं कैनवा प्रो के अंदर, कैनवा फ्री में मुझे नहीं मिले थे। तो अगर मुझे मान लो फिल्टर करना है, अगर आपके पास कैनवा प्रो है, तो फिर फ्री एलिमेंट्स क्यों ही यूज़ करने हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर मैंने कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो सिर्फ मुझे प्रो ही दिखे, तो यहाँ पर आप लोग फिल्टर पर जा सकते हैं एंड देन प्रो पर क्लिक कर सकते हैं। इससे मेरी डिज़ाइन यहाँ पर थोड़ी स्टैंड आउट कर पाएगी, और यहाँ पर मैं कलर भी डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे किस तरह का चाहिए, स्टैटिक चाहिए, एनिमेटेड चाहिए, वो सब मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। कलर के लिए फिलहाल जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ डार्क बैकग्राउंड है, तो मैं इसको वाइट देख लेता हूँ। बैकग्राउंड हम लोग यहाँ पर कुछ डार्क टाइप का डाल देते हैं, एलिमेंट्स यूट्यूब एंड देन वाइट, ठीक है। तो वाइट में हमें ये वाला, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं।
अगले टिप है लिंक्स को लेकर के। अगर आप लोग कोई पीडीएफ बना रहे हो तो उस पर आपके लिंक जो रहते हैं वो क्लिकेबल रहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे या फिर कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भी आपको लिंक डालना है। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, ये जो लिंक वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे। तो अगर आप लोग पीडीएफ जनरेट कर रहे हो तो उसमें आप लोग क्लिकेबल लिंक्स का यूज कर सकते हो। लास्ट टिप है यहाँ पे टेम्पलेट्स को सेव करना। अगर कोई एक टेम्पलेट है जिसका आप लोग रेगुलरली यूज करते हो, मान लो मेरा एक यूट्यूब का थंबनेल है, मैं उसमें मैंने एक टेम्पलेट बना के रखी है कि मैं इस टेम्पलेट का यूज करूंगा, मैं इन बैकग्राउंड्स का यूज करूंगा, मैं इन फॉन्ट्स का यूज करूंगा, तो उसके लिए यहाँ पर आपको जाना है मोर पर, हम लोग जाएंगे यहाँ पर सी ऑल पर एंड देन हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे टेम्पलेट पे। इस तरीके से आप लोग अपने फोल्डर के अंदर टेम्पलेट को सेव कर सकते हो, जिसमें केपी के अंदर यहाँ पे सेव कर लेता हूँ पब्लिश टेम्पलेट। तो मैं इस टेम्पलेट का बार बार यहाँ पे रीयूज कर सकता हूँ एंड जैसे हम लोग यहाँ पे गए वापस फोल्डर्स के अंदर, मैं चला जाता हूँ केपी के अंदर, चले जाते हैं हम लोग, और ये रही मेरी टेम्पलेट। यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर दूंगा एंड देन एडिट ओरिजिनल नहीं करना है, यूज दिस टेम्पलेट करना है, तो फिर इसकी एक और कॉपी बन जाएगी जिसको आप लोग यहाँ पर एडिट कर सकते हो। मेरा जो इसमें से फेवरेट फीचर या फिर जो टिप थी वो था कैनवा प्रेजेंटेशन और कैनवा लाइव, दोनों काफ़ी मुझे अच्छे लगे हैं और अभी फिलहाल वो बीटा में है, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि उसमें ज़्यादा बग्स हो, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। आपका क्या फेवरेट फीचर या टिप रहा है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और जो भी मैंने डिस्कस किया है जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्सअप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।